कर ली, मैं जा रही ज्वाल लेने, बर्तन साफ कर लिए, बर्तन पड़े। ले हमने तो खा ली रोटी। बुढ़िया आज मैं चुप नहीं रहने की। जो काम तू मुझे बता रही खुद ना कर सकती, इतने में होगी तुझे ज्वार को देर। ए लाली ऐसे मैंने क्या कह दिया तुझे, बर्तन साफ करने को ही तो कहा है। तू बहुत काम बता लगी, बहुत एक्सपर्ट होगी अब तू काम बताने में। रख लो बहू की गैल, क्यों लड़ रही है तू? और बहू तू क्यों लड़ रही है इसी गैल? मैं क्यों लड़ती बहू के साथ? यू ही मेरे साथ लड़ रही है। और तुम दोनों ही क्यों लड़ रहे हो? देख बहू, सारी बात चौखे, यह मेरी धर्म पत्नी है। देख इसकी गैल ही ना लड़ी है तू। तुमने भी इस घर का बेड़ा गर्क कर रखा है, क्या जरूरत थी सुबह सुबह मूत पीने की? देख लो मूत कूदना बखाने कर। अरे मैं जो अपने पैसे की पीऊं, किसी से मांग के नहीं पीता मैं। आज के बाद मौत पूतना बखानी है तू। देख बुढ़िया देख, इस घर के ड्रामे, ऊपर से ही बुढ़ा सुबह सुबह पी के आ गया और तू मुझ पे भी रोक जमावे। भला इस घर में कोई रह सके? तेरे कारण मुझे सुननी पड़ रही है इसकी। और देख मैं तो जा रही घास को, और राज आ जाएगा, राज से बताऊंगी तेरी करतूत। यही खड़ा हाल तो रहेगा, अब जाके घेर में ढोरों का न्यार बार देख ले। मेरी बस की नहीं, ढोरे वोरों का न्यार वार करना, करते रही अपना, मैं तो रोल लौट रहा हूँ यहीं। जुआर मुझे दे दे, तेरे को बोझ लग रहा होगा। अरे भाई मैं ही ले जाती, अब घर भी तो आ लिया, तू भी ऑफिस से थक के आया है। अरे माँ तेने भी जुलम ढा रखे, इतना बोझ लाने क्या जरूरत थी? नाड़ा टूट गई होगी तेरी। इतना बोझ ना लाते ढोर भूखे ना मर जाते। चल माँ तू बैठ जा, मैं तेरे लिए पानी ला रहा हूँ। हे भगवान, तन तो बड़ी आग बरसा रखी है, लोगों को मारेगा क्या? बहुत गर्मी हो रही है। ले माँ पानी पी। ला गला भी सूखा पड़ा। उड़ लाऊं? लाला तेरे जाने के बाद बहू हम सब बहुत लड़ी, तेरे बाप को और मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाया। अच्छा माँ, सिमरन तुम्हारे साथ लड़ी, ऐसा क्या बात होगी? लाला बात तो कुछ ना हुई, मैंने उससे न्यू कही बहू से कि तू बर्तन मांझ लीजिए, उसने बर्तन तो मांझे ना, मेरे से जबान लड़ा लगी। अरे भाई मैं तो फिर खेत को चली गई निहाल लेने, और आज तू जल्दी कैसा आगा? अरे माँ शनिवार ही का मेरा हाफ डे हुआ, इस मारे जल्दी आगा मैं आज। चल तो भीतर चल, रोटी रोटी खा ले, मुझे भूख लग रही है। हाँ चल माँ। सिमरन, अरे सिमरन, अरे कहाँ जा ली, बाहर कौन निकल के? हाँ बताओ क्या क्या होते? अरे तूने बता, तू माँ के साथ क्यों लड़ी, और तूने पिताजी को ना बख्शा? मुझे पता, इस बुढ़िया ने सारे पाठ पढ़ा दिए होंगे, एक की दो और दो की चार, बातें जोड़ के सारी बात बता दी होगी। मुझे माँ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे तेरा मजाक से नहीं लग रहा। अरे बेटा छोड़, घर में लड़ाई तो तुम करो मत ना, और जाके सारा काम कर लो। देख अपने बेटे के सामने कितनी भोली बन रही है, और सुबह के था। सिमरन तुझे नहीं लग रहा कि तू ज्यादा बोल रही है? मैं ठीक कह रही, और मैं उस बुढ़े से भी तंग आ ली। तुम बहू ना मुझे नौकरा नहीं मानो। हमारे शादी के एक साल होने जा रही है, लेकिन मैंने तेरे पर हाथ नहीं उठाया, अब से ही नो मत ना आ जा। राज क्या होगा तुझे, घर का नाश ही करेगा क्या? बहू तू अंदर जा, और जा तू गैल में जा। बुढ़िया तेरे तो जल गए होंगे ना घी के दिए, हो रही होगी ना तू तो अंदर ही अंदर खुश। अरे तुझे कैसे समझाऊं, मैं कहूँ कुछ हूँ और तेरी समझ में कुछ और आ रहा है, जा तू भीतर को जा।
और जा तू भी बाहर को जा। मिलेगी तुम्हें फुर्सत? तरगा तुम्हारा नशा? इस घर के बारे में कुछ पता? क्या चल रहा घर में, क्या ना चल रहा? तुम्हें तो दारू पी, यार दोस्तों बैठे, ताश बजाए, बस घर का ना पता घर में क्या हो रहा क्या ना हो रहा। आज राज ने बहू पर हाथ उठा दिया। अगर तुम दारू छोड़ दो तो घर का ढेर होने से ना बच जा। दारू तो मैं इस मारे पीऊँ, जब तक मैं नहीं पीता मेरे शरीर में कांपन सी लगी रहे, और ताश खेलने को इस मारे चले जाऊँ, घर में बहू अकेली रहे हैं तो इस मारे टाइम पास करी आऊँ मैं जाकर बाहर। यहाँ बड़ा अच्छा लगूंगा, यहाँ बहू रह गया घर में, बेटा भी चला जा, तू भी नार फूस को चली जा। अगर तुम दारू ना पियो तो इस घर का ढेर होने से बच जा। सारे दिन यार दोस्तों में ताश खेलना, जितना तुम वहाँ टाइम वक्त बताओ हो इतना अपने घर में आकर देखो क्या हो रहा घर में क्या ना हो रहा। अरे मैं छोड़ने की तो बतेरी कोशिश करूँ पर छुटती तो नहीं। राज यक्कुआ। हाँ माँ। हमें तुझसे कुछ बात करनी है। बताओ। बेटा एक बात बता, हमें तू एक वचन दे, आज के बाद बहू पे हाथ न ठहिए और निकल को हमारे घर में पंचायत लगेगी। माँ तो चिंता ना करे, तेरी इस बात को हमेशा याद रखूंगा, ना उठाने का उस पर हाथ। ठीक है बेटा, हमें तेरे से यही उम्मीद है। अब तुम भी सुधर जाओ, तुमने भी हम माँ बेटों को बहुत परेशान कर रखा, तुमने हमें खून के आंसू रवा रखे। अरे तू एक बात तो बता, जब ये मुझ पर छुटती नहीं तो मैं क्या करूँ? ना छुटती तो दिन में पीनी जरूरी है, शाम को पी लग रो, थोड़ी बहुत लगा लग रो शाम को, या तुम भी नहीं चाह रहे हो हम भी ऐसी करें पी के ना रोज की हाँ ड्रामा कर दो तुम खड़ा, नहीं चाह रहे हो हम भी ऐसी करें? अरे मैं ऐसा कर ही क्या रहा हूँ भाई, इन्हें कितना ही समझा लो इनका ना होगा कुछ भी, जब तक इनके यार दोस्त बेवड़े रहेंगे ना गाँव में इनकी ना छूटे दारू। तुम माँ बेटा तो मुझे भाषण देने लगे, मुझे चलना पड़ता दिखे इससे। देख इसे कितना ही समझा लो, अब जाके बैठ जाएगा चौकड़ी में, वहीं दारू पीवेगा ताश खेलेगा, इस हमारा घर का नाश्ते चौकड़ी नहीं कर रखा। अब माँ ने क्या समझाऊँ मैं, मेरे तो समझ में ना आती, कैसे करूँ? सिमरन आज इस घर में तेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, आज तेरे थप्पड़ लगाए कल तेरे से डंडों से बात होगी, इस बुढ़िया का तो पत्ता साफ करना ही पड़ेगा, ना तो ये तेरा जीना हराम कर देगी। देख सिमरन आज जो कुछ भी हुआ ना अच्छा नहीं हुआ, अरे वो माँ बाप है हमारे, तूने खामखा गुस्सा दिवा दिया मेरे को। देखो जी मैं इस घर में ना रहूं ना रहूं ना रहूं बस। अरे यार ये छोटी मोटी बात चलती रहे घर गृहस्थी में, तू तो जरा सी बात में नाराज होगी। देख अब मैं तेरी एक नहीं सुनने की, या तो इस घर में तेरी माँ रहेगी या मैं, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना होएगा। अगर तूने अपनी माँ को चुना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तू मेरा जीवन साथी है और ना ही मैं अपनी माँ को छोड़ सकता क्योंकि उसका दूध का कर्ज है मेरे पे। मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे ये बताओ तुम्हें अपनी पत्नी चाहिए या अपनी माँ? सिमरन तू ऐसा मत कर, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करूँ, मैं तेरे बिना भी नहीं रह सकता और ना ही अपनी माँ के बिना रह सकता। कुछ भी हो या तो मैं मरूंगी या फिर तुम्हारी माँ, अगर तुमने मुझे ज्यादा कहा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, खूब सोच लिए, और मुझे आ रही है नींद। और बेटा अपनी क्लास में ना आगे बैठे रहे, पीछे ना बैठते, पीछे भी बच्चे बैठे हैं जिनमें पढ़ना ना आता, और जो मास्टर जी बताए करें ना उसे ध्यान से सुने कर। माँ मास्टर से याद आया, मास्टर ना डेली डेली फीस के लिए कह मैं तो फीस जमा करवा दो, और दो बच्चे ना स्कूल से भगा दिया। बेटा मास्टर से बोल दिए दूध का हिसाब होएगा, जब दूध या पैसे दे देगा तो उसकी फीस हम जमा कर देंगे, ठीक है? माँ मैंने पिताजी से भी कही फीस जमा करवाने के लिए, पिताजी कह रहे कि तेरा मामा रख कर गया, अपनी माँ से ही करवाइए फीस जमा। मामा पापा का डंड है कि तेरी फीस यहाँ आकर जमा करेगा, या उसने पैसे दे दिए है अपनी कमाई के तो सब दारू पी जा।
मैं कर दूंगी फीस जमा। चल चप्पल पहन जल्दी। माँ मेरा बैग दे दे, कभी मैं लेट हो जाऊँ स्कूल। और सुन, रास्ते में जितने भी आदमी मिले सबसे नमस्ते करके निकलेगा और किसी से झगड़ा मत करिए, ठीक है? जा माँ। नमस्ते। नमस्ते। ले भाई रहा गुलाम। गुलाम बना दिया। ले बा दुग्गी। ले यू बद्दा ना बांध दिया। ले गुलाम। ले बा पंजी पड़ी। अरे पहले पैक तो मार लो, कदी में मक्खी गिर जा। अरे भाई ये तो बता दो बेगम किस पे? मारा भी हाथ तो हो नहीं रहा, कम से कम उसकी बेगम पीट के गुजारा कर लूंगा। पीट लिया भाई, किसकी पीटेगा? हमारे पास तो है नहीं बेगम। लाल सिंह बच के, बेगम तो तेरे पे ही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे लाल सिंह, तुझे बीच में लड़की की जरूरत थी, अब पिटवा ले बुढ़ी लुगाई। हमारे पास तो है नहीं। लई बनेगा बादशाह, ये पिटेगा तेरी लुगाई, बाटवार तो हम ही है। हमारे पास तो है नहीं, और जिसके पास होगी उसकी पीट लीजो। मैं भाई डाला उठगा। ये उठा लिया भाई हमने अपना गुलाम। ये लाल सिंह अपनी लुगाई देख, लाल सिंह पीट दी तेरी लुगाई। पवन निकाल ला, ज्यादा चलना मत बने तो। नमस्ते राज, क्या बात है? आज स्कूल से बड़ी जल्दी आगा, छुट्टी होगी क्या? माँ आज मास्टर ने घर भेज दिया, यूँ कह रहे जब तक स्कूल की फीस न लाएगा जब तक स्कूल में नहीं। भाई क्या करूँ, मेरा जिगरा तो फूट फूट के रोवे, तेरे बाप को कहाँ बैठ के रो लूँ मैं। अरे कुछ रोटी टुकड़ा बना है, ऐसी भूख लग रही है मुझे, रोटी लिया जा। रास्ते में तो गोबर ना मिला हा? जहाँ से इस मूत से को पी का आया, गोबर खा लेता, दोनों का स्वाद एक हो जाता। देख घनी बकवाद ना करे कर तू, रोटी लगा लगे। अरे कद प्याज व्याज सिरे की हो तो उसे भी ले जा। एक बात बता, यू लोंडा मास्टर ने स्कूल से घर भेज दिया कि अपने घर जा और फीस लेके आइए, स्कूल जब ही आइए, इसका क्या करूँ मैं? तो ये तो दारू पीने से ही फुर्सत ना है। अरे कौन सा मास्टर है वो, मुझे पता कौन सा, मैं बात करूँगा उससे जाकर। और हाँ, स्कूल में जाकर और बखेड़ा कर दे दारू पी के, जो इसे स्कूल से परमानेंट ही कह दे कि अपने घर ही रह तू, तेरा बाप दारू पी के यहाँ ड्रामा करे। उस मास्टर ने राज को भेज के मेरी बेइज्जती करी है लाल सिंह की, उसे तो मैं छोड़ दूंगा नहीं। ज्यादा शाना ना बने, इसकी फीस का जुगाड़ मैं कहीं से किसी से उधार लेकर कर दूंगी, कभी वहां जाकर और बखेड़ा खड़ा कर दूं। अरे मुझे भी दे दीजिए पैसा, मेरे दौरे पैसे खत्म हो गए, मुझे भी तो चाह पीसा। दूंगी तुझे रोकड़, जहाँ ताश बजावे वहीं से ले लीजिए। चल राज, तुझे रोटी दूँ घाल के मरन दे से। अरे कचौरी से बना लिए, मेरा जायका सा खराब हो रहा। बेटे रोटी खा ले। माँ मैं ना खा रहा, स्कूल के लिए प्रार्थना की घंटी बज गई होगी। थोड़ी सी खा जा, छुट्टी देगा ना फिर तो भूख लगन लगेगी, और मुझे भी खेतों पे जाना नियाल लेन।
कि माँ अब मैं और ना खाने का हूँ और स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ। स्कूल की प्रार्थना की घंटी बजने वाली होगी। ठीक है ले, ये पैसे मास्टर को दे दिए जो क्या फीस के मम्मी ने दिए, ठीक है, और मैं बाकी बाद में दे दूंगी, ठीक है। माँ नमस्ते। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। अरे देखिए क्या रुपये दिया तेरी माँ ने। पिताजी लेकिन ये तो फीस के। अरे फीस भी जमा हो जाएगी। राज के पिताजी ये ठीक ना है, ये इसके फीस के पैसे हैं और इन पैसों को इसे दे दो। जब मैं तेरे से पैसे मांगू जब तो तेरे पे निकलते नहीं पैसे, अब तेरे पे बड़ी जल्दी निकल गए फीस के लिए पैसा। ये पैसे मुझे दो। अरे रहने दे, मुझे चाहिए पैसा ये। मुझे दो ये पैसे। जब मैं कह रहा हूँ मुझे दे दे। दो। पिताजी मां को मत मारो, पिताजी मां को मत मारो। राज, राज मेरे बच्चे क्या होगा तुझे, क्या कर दिया इसने, इसने दारू के चक्कर में घर का नाश करेगा यू। मैं तुझे इसके पास ना छोड़ू, मैं तो तेरी बुआ के भेज दूंगी। अरे भगवान इसने तो नाश कर दिया बिल्कुल, मेरे बच्चे क्या कर दिया। तेरे भाई यहाँ कैसे बैठा, बेहतर आ जाता। अरे क्या बात होगी हैं? अरे कुछ हुआ भी? साफ साफ बता क्या बात है। अरे भाई तेरी भाभी नू कह रही या तो इस घर में मैं रहूंगी या तेरी माँ रहेगी, अब तू ही बता भाई मैं क्या करूँ। चल तू परेशान मत ना होवे, बेहतर बैठ के बात करेंगे। चल सिमरन, ओ सिमरन बैठ। देख मैं तेरी कल वाली बात से तो सहमत हूँ। माँ के साथ तो मैंने अब तक जीवन बिताया, आगे की जिंदगी तो मैं तेरे साथ बितानी है। देखो आपके बाप से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो दारू इतनी पीवे एक दिन खुद ही मर जाएगा। दिक्कत है तो मुझे तुम्हारी माँ से, तुम उसे मार दो। पर हमें एक काम करना होगा, अगर माँ को हम एकदम मारेंगे तो देख जेल जाएगी तू भी और मैं भी। माँ को हम क्यों ना धीरे धीरे मारें। यह बात तो आप ठीक कह रहे, लेकिन धीरे धीरे कैसे? यू ले जहर जिसे रोज की माँ के खाने में मिला देकर यू धीरे धीरे असर करे, माँ भी मर जाएगी और पता भी नहीं चलने की किसी को। राज आज मुझे पता चला कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं भी आपसे बेपनाह प्यार करती हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ मेरी सुन बात ध्यान से, माँ से तो बहुत प्यार करिए ताकि मोहल्ले पड़ोस वाले इनको कोई शक ना होवे, 15-16 दिन में अपना मर जाएगी माँ। तुम चिंता मत करो, अब सारी बात मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है तू जाना तेरा काम जाना। अपने बेटे को सिखा के बुढ़िया बड़ी 30 मार खा बननी थी, अब कुछ दिन और जी ले तू बुढ़िया, अपने बेटे के हाथ से ही मरेगी और वो भी जहर खा के। मम्मी जी ये लो खाना खा लो। मम्मी जी मैंने आपको गुस्से में बहुत भला बुरा बोला है, मुझे माफ़ कर दो, आप हमारी माँ हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात ना, बच्चों से तो गलती हो ही जावे, और कौन सी हम तुम्हारी गलती याद रखें, वो तो मैं कल ही भूल गई।
लाली आज सब्जी तो मुझे अजीब सी लग रही है, अच्छी ना लग रही। मम्मी जी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, आपका जायका बिगड़ रहा होगा, अभी तो पापा जी खा के गए खाना। सिमरन, ओ सिमरन। अम्मा, माँ क्या हुआ? लाली मुझे ऐसा लगा है कल मैं इकासी का बढ़ती ही, इसी वजह से मुझे चक्कर आ गए, अब कमजोरी भी तो आ रही है शरीर में। बुढ़िया ये तेरी इकासी के बर्थ की वजह से ना, ये मेरी दवाई का नतीजे से हुआ है, और तू कुछ दिन और जी ले और कुछ दिन बाद तेरा राम राम सत्य हो जाएगा, फिर मैं आराम से इस घर में राज करूंगी। माँ मैं हूं ना काम करने के लिए, चलो आप अंदर चल के आराम करो, काम मैं कर लूंगी और आपके हाथ पैर दबा दूंगी, चलो। मम्मी आज सुबह आपको चक्कर आ गए थे, अब तो आपको आराम होगा? ए लाली पता ना मेरे शरीर में क्या हो रहा, कमजोरी सी आ रही है, अंदर से घबराहट सी हो गई। मम्मी कुछ दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ना घबराहट होने की ना बेचैनी होने की, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ए लाली सदा ऐसी थोड़ी रहूंगी, हो जाऊंगी ठीक। मम्मी जी मैं आपके लिए रोज हाथ जोड़ के भगवान से दुआ मांगती हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ए लाली मैं सब ठीक हो जाऊंगी, तू अपना ध्यान रखा कर। माँ आप कितनी अच्छी हो, मुझे आज आप में देवी का एक रूप दिख रहा है, और जेडी किवाल राइटर ने माँ सच कहा है कि माँ बापों में देवताओं का वास होता है, और वो मैंने आज आप में देख लिया। बेटी बस तू ठीक हो जा जल्दी से, और बहू भी तो बेटी हो मैं है, बेटियों में का कुछ ज्यादा अनोखा हो है। हमने तो खा ली रोटी बुढ़िया, आज मैं चुप नहीं रहने की, जो काम तू मुझे बता रही खुद ना कर सकती, इतने में होगी तुझे जुआर कुदेर। ए लाली ऐसे मैंने क्या कह दिया तुझे, बर्तन साफ करने को ही तो कहा है। तू बहुत काम बताने लगी, बहुत एक्सपर्ट होगी अब तू काम बताने में। माँ मैं कितनी गलत थी, आज मुझे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा है, हो सके तो माँ मुझे माफ कर देना। तू छोड़, तू आराम कर ले, तू ठीक हो जा जल्दी से, बस हमारे लिए इतना ही बहुत है। माँ आप मेरे पैर दबा रही हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। अरे बेटी इसमें अच्छे लगने वाली कौन सी बात है, अब तुम बहू भी तो हमारी सेवा करो हो, अगर हारी बीमारी में हमने तुम्हारी सेवा कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सिमरन बेटी तू रोवे मत ना, तू मेरी बहू ना है, तू मेरी बेटी जैसी है, और जो मेरी बेटी होती मैं उसकी सेवा ना करती। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने की, या तो इस घर में तेरी मार रहेगी या मैं, तुझे हम दोनों में से एक को चुनना होएगा, अगर तूने अपनी माँ को चुना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मेरी बच्ची तू रो मत, रो क्यों रही, क्यों परेशान हो रही है, तू तो मेरी बेटी है, रो मत। माँ रो मत तू। क्या हुआ
क्यों घबरा रही है? माँ बैठ जा। राज, पता नहीं माँ को क्या हुआ। माँ को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये मेरी माँ है। माँ। राज, पता नहीं माँ को क्या हो गया। ये मेरी माँ है, मेरी माँ। माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ए बहू, कैसे हड़बड़ा कर रो रही? तो क्या बात होगी तेरा? पिताजी, माँ को जल्दी से डॉक्टर के लिए चलो। मेरी माँ को बचा लो। माँ, जल्दी तुम डॉक्टर के चलो। ए सिमरन, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ना हुआ। पता नहीं मुझे चक्कर आ गया और चक्कर खा के मैं गिर पड़ी। और जब से पता ना हड़बड़ा के क्या क्या बोलने जा रही है। आपसे ना पागल मत बन, इसका मर जाना ही ठीक है। इसकी सबसे बड़ी गलती यह है, इसने तेरे पति को जन्म दिया है। इसी गलती ये भी है कि इसे दुख के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। सुख के परछाई तक नहीं मिली इसे आज तक। राज, मेरे को समझ में ना आ रहा क्या बात है। ना कुछ मेरी समझ में आ रहा क्या कहे जा रही है। अनाप सनाप। राज, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। इस देवी को बचा लो। मेरे साथ चाहे जो मर्जी कर लो तुम। मैं बीमार पड़ गई थी। इस माँ ने मेरे लिए दिन रात एक कर दिए और मैं इसी की हत्यारन बनने चली। मेरी हत्यारन? यू मुझे मारना चाह रही? अरे ये क्या कहे जा रहे हैं? मेरे तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही। ये तो बात और उलझती जा रही है। रोना मत करी, तू चिंता मत ना करे। माँ को कुछ ना होने का, जो तू जहर समझ के देख रही ना माँ को, वो जहर नहीं था, वो हाजमे का चूरन था। जहर? हमारे अब भी कुछ भी समझ में ना आ रहा। अरे राज भाई, हमें तो सारी बात बता दे, क्या दिक्कत क्या है। वहाँ पिताजी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। ये आप दोनों से परेशान थी। देखो, आपके बाप से तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो दारू इतनी पीवे एक दिन खुद ही मर जाएगा। दिक्कत है तो मुझे तुम्हारी माँ से, तुम उसे मार दो। पर हमें एक काम करना होगा, अगर माँ को हम एकदम मारेंगे तो देख जेल जाएगी तू भी और मैं भी। माँ को हम क्यों ना धीरे धीरे मारे। यह बात तो आप ठीक कह रहे, लेकिन धीरे धीरे कैसे? यू ले जहर, इसे रोज की माँ के खाने में मिला देकर यू धीरे धीरे असर करे। माँ भी मर जाएगी और पता भी नहीं चलेगी किसी को। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसने मुझे ये सलाह दी, जब कराया मैंने ये काम। माँ, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप करने चली थी। मैं भूल गई थी कि उन्हीं सास ससुर में देवताओं की छवि भी होती है। मैं उन्हीं को मारने चली। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। राज बेटा, मुझे माफ कर दो। राज की माँ, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद शराब नहीं पीने का। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें लेट ही सही अकल तो आई। बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी है और हम सब तुझसे बहुत प्यार करें। अरे बेटा राज, आज मुझे तेरे पे बहुत बड़ा गर्व है, जो तन्ने ही परिवार टूटने से बचा लिया। बहू, झाड़ू तो लगा ले। माँ जी, आज के बाद आप आराम करोगी और इस घर का सारा काम मैं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, तो आपको हमारी मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आजकल जो समाज में चल रहा है, एक बाप दारू पीकर अपने घर में आता है, उसकी बेटे की माँ से लड़ाई कर रहा है, उसे सता रहा है, दारू पीता है, और इधर माँ इतना संघर्ष कर रही है, अपने बेटे को पाल रही है, इतनी मेहनत करती है, और आगे चल के उसे क्या फल मिल रहा है। तो इसको हम यही संदेश दिखाने के लिए हमने ये मूवी बनाई है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि कौन सा सीन आपको ज़्यादा अच्छा लगा। नमस्कार दोस्तों।